नमस्कार दोस्तों, आज हम इंस्टेंट कलाकंद बनाने वाले हैं। दानेदार कलाकंद जो कि बिल्कुल हलवाई बनाते हैं और 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी आप घर पे बना सकते हैं बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से, बिना मिलावट के। ये कलाकंद जो है इजी तरीके से घर पे बन जाएगा 15 से 20 मिनट में। किसी भी तीज त्यौहार पर आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं कलाकंद की। एक खाली कप लिया है जिसके अंदर 1 टेबल स्पून शक्कर डालूंगी, 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम इसके अंदर विनेगर डाल देंगे, व्हाइट विनेगर लिया है मैंने, और 1/4 कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। यहाँ पर हम विनेगर का मिश्रण बना रहे हैं जिसे हम दूध फाड़ने के लिए काम में लेंगे, तो ये मिश्रण बनाकर हम इसको एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर 1 चिमटी भर के केसर को मैंने 1 चम्मच पानी के अंदर भिगो दिया है, ताकि देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है, इसको भी एक तरफ रख देंगे। 1/2 कप शक्कर ली है मैंने जो कि हम कलाकंद बनाने में काम में लेंगे। 8-10 पिस्ता को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है, और यहाँ पर जो है मैं काजू और बादाम की लंबी लंबी कतरन काट के रख दी है। तो मेवे आपको जो पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 लीटर दूध लिया है, ये फुल फैट क्रीम मिल्क है, यानी जो डबल क्रीम मिल्क मिलता है बाजार में वो लिया है मैंने। ये टोटल 2 लीटर का कैन है। 0.5 लीटर दूध जो है मैंने बचा लिया है आगे रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर 1.5 लीटर दूध जो है हम पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। जितना आपको पनीर बनाना है या कलाकंद बनाना है उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं मात्रा को। यहाँ पर हमारा दूध जब गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर विनेगर वाला मिश्रण जो है वो डालेंगे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है, एक बार मैंने विनेगर वाला मिश्रण डाल दिया है और इसको चम्मच से हिला दिया है। गैस में पहले ही बंद कर चुकी हूँ और दूसरा वाला मिश्रण जो है वो भी डाल दिया है। आप देख सकते हैं पनीर जो है पूरा अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया है। इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, इसके बाद हम इसको छान देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन रखा था, उसके ऊपर छलनी रखी है, और ये पनीर का मिश्रण जो है वो छान देंगे ताकि जो पानी है वो नीचे रह जाए। अब जब पनीर हमारा अलग हो गया तो अब इसके ऊपर साफ पानी डाल देंगे पीने का, ताकि पनीर के अंदर जो खटास है विनेगर की वो निकल जाए। और ये देखिए हमारा पनीर जो है बिल्कुल अलग हो गया है, तो हम इसको एक थाली में निकाल देंगे। ये जो पानी बचा हुआ है आप इसको आटा गूंदने में काम में ले सकते हैं, दाल या फिर सब्जी बनाने में काम ले सकते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक होता है। और पनीर को हम एक बड़े बर्तन या प्लेट, थाली, परात किसी में भी निकाल देंगे। आप देख सकते हैं पनीर काफी बिखरा बिखरा है, यानी साथ में क्रम्बल जो है मिक्स नहीं हो रहा है, बहुत ही क्रम्बल सा टेक्सचर है। तो हम इसको स्मूथ बनाने के लिए थोड़ा सा इसको हथेली से मस लेंगे। 5-7 मिनट मसलने से ये बिल्कुल अच्छा सा मिश्रण इसका तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पनीर हमारा एकदम स्मूथ हो गया है, क्योंकि कलाकंद बनाने के लिए हम वो दानेदार पनीर पनीर जो बिखरा बिखरा है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर 0.5 लीटर दूध जो है वो मैंने पैन में रख दिया है, और इसको हम गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इस दूध को हमें काफी गाढ़ा करना है, यानी इसको 1/4 हमको कर देना है बिल्कुल इसको उबाल उबाल कर। तो इसके ऊपर मलाई आने लगी कि दूध में उबाल आने लग गया है, और अब इसके अंदर हमें इसको काफी देर तक इसको पकाना पड़ेगा, 5-7 मिनट तक। आंच को आप थोड़ा लो मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, अगर तेज रखते हैं तो बराबर स्पैटुला जो है वो चलाते रहिएगा। ये जो कलाकंद बनता है इसको आप बर्फ, कुटी हुई बर्फ के साथ में भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। राजस्थान में इसको मावा मिश्री भी बोलते हैं, और आप चाहे तो इसको बर्फी की तरह खा सकते हैं, और ठंडा ठंडा कलाकंद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसे कैसे भी अपनी पसंद के हिसाब से खा सकते हैं। ये आप देखिए मैंने 5-7 इलायची को इलायची के दाने कूट के डाले हैं, आप चाहे तो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं इलायची के। और दूध में काफी उबाल भी आ गए हैं, और दूध हमारा जो है वो काफी गाढ़ा होने लग गया है, और इसके किनारों में जो मलाई लग रही है वो भी मैं दूध के अंदर डालती जा रही हूँ। तो दूध को हमें 5-7 मिनट इस तरीके से पकाना है। बीच बीच में आप चाहे तो आंच को तेज भी कर सकते हैं। अब जब दूध हमारा काफी गाढ़ा हो जाएगा और क्वांटिटी में भी कम हो जाएगा, तब हम इसके अंदर दूसरी सामग्री जो है वो डालना शुरू करेंगे। ये जो पनीर वाला कलाकंद है, आप डायरेक्ट इसको पनीर के साथ में नहीं बना के इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और दानेदार बनेगा। यहाँ पर हम इसके अंदर शक्कर डाल रहे हैं, शक्कर को मैंने 2 बार करके डाला है। शक्कर जब पूरी तरीके से इसके अंदर घुल जाएगी तो दूध की मात्रा वापस बढ़ जाएगी, क्योंकि शक्कर पानी छोड़ना शुरू कर देगी। और अब हम इसके अंदर पनीर का जो मिश्रण है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने जो पनीर का मिश्रण बना के रखा था
वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से जो कलाकंद बनेगा वो काफी सफेद और बहुत ही अच्छा बनेगा। आप चाहें तो इसके अंदर केसर डाल सकते हैं तो ये केसर कलाकंद बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम एकदम से इसका कलर सफेद रखना चाहते हैं तो इसलिए हम सफेद कलाकंद बना रहे हैं, ताकि बेसिक कलाकंद बनने के बाद आप इसमें चाहें तो किसी भी तरीके का चेंजेस कर सकते हैं। हमें मिश्रण को तब तक गाढ़ा करना है जब तक ये एकदम पैन नहीं छोड़ने लगे और बिल्कुल इसका शक्कर का पानी या फिर बिल्कुल ये जो पानी इसके अंदर होता है वो खत्म नहीं हो जाए। तो हमें इसको लगातार चलाते हुए बीच बीच हम आंच को तेज भी करेंगे ताकि जो है हमारा मिश्रण जल्दी से तैयार हो जाए और एकदम गाढ़ा होने लगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आंच को अगर तेज करते हैं तो मिश्रण को ऐसे छोड़िएगा मत, लगातार चलाते हुए रखिएगा, नहीं तो जो है वो पैन से चिपक जाएगा कलाकंद और स्वाद जो है इसका एकदम खराब होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्रण अभी काफी गाढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है, मतलब शक्कर का जो पानी है वो इसके अंदर है। तो हमें उसे पूरी तरीके से सुखाना है, लेकिन ड्राई कलाकंद नहीं बनाना है। जब ये पैन छोड़ने लगेगा और एकदम गाढ़ा हो जाएगा, शक्कर का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब जो है हम गैस को बंद करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं शक्कर का पानी बिल्कुल खत्म हो गया है और एकदम एक सरीका हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे जिसके अंदर हमें इसको सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग टिन जैसा लिया है और उसको ग्रीस कर दिया है। इसके अंदर हम कलाकंद का मिश्रण डाल देंगे और इसको स्पैटुला की मदद से अच्छे से एक सार कर देंगे, यानी चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर हम कटे हुए काजू बादाम, जो मेवे आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। जो हमने पिस्ता भिगो के रखे थे उसका छिलका निकाल के काट के डाले हैं मैंने, और जो हमने केसर भिगो के रखी थी उसका पानी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ऐसे उंगलियों की मदद से या फिर कॉटन की मदद से भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा केसर कलाकंद या फिर कलाकंद जो है बन के तैयार हो गया है। बर्फी की तरह इसको अच्छे से खाया जा सकता है, ठंडा ठंडा खाया जा सकता है फ्रिज में सेट करके। इसको हम आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे, चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं गर्मी ज़्यादा है तो। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से काट के अपने मनचाहे शेप में निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान रेसिपी है कलाकंद की। आप भी घर पे बनाइए केसर कलाकंद की आसान सी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को बाय।